जब से ना गाइस ऐप पर वीवो के z1 प्रो के ऊपर नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ हुआ था इसी सितंबर महीने के अंदर, तब से वीवो z1x के यूज़र पूछ रहे थे कि भाई जो है वीवो z1x के ऊपर नया सॉफ्टवेयर अपडेट कब आएगा। तो उन बंदों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, फाइनली वीवो के z1x के ऊपर नया सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। एंड इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट देने के बाद वीवो के z1x के ऊपर बहुत सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो उन सभी के बारे में भाई इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूँगा, तो इसलिए बोला जाता है वीडियो को आप लोग अंत तक देखते ना। एंड साथ ही गाइस पर वीवो u10 के ऊपर भी एक नया अपडेट आया है, उसका भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टेप दे दूंगा कि मैं कौन से टाइम के अंदर कौन से फोन के अपडेट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, जिससे आपको वीडियो देखने में थोड़ी सी यहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर ना मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। बट उससे पहले बता दूं भाई वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है मेरे साथ जो गाइस पर आकाश भाई ने शेयर की है, पुरान भाई ने शेयर की है, राघव भाई ने शेयर की है, निखिल भाई ने शेयर की है एंड जो पर इस भाई ने भी शेयर की है। तो इन सभी का थैंक्स इन्फॉर्मेशन मेरे साथ पर शेयर करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं वीवो z1x के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, देन बातचीत करेंगे इसके नए फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो वीवो का z1x है, इसका जो आपके पर ओल्ड वर्जन देखने को मिलता है वो है इस पर 8.70.36 एंड अभी इसके ऊपर जो नया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज हुआ है वो है इस पर 8.70.37 का। एंड इस अपडेट का जो साइज है इस आपके पर 189.36 MB के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड इस अपडेट के अंदर जैसे कि उन्होंने सबसे पहला काम किया गया इस पर सिस्टम के अंदर अपडेट टू द September 2021 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो इस अपडेट के बाद आपको सितंबर महीने का सिक्योरिटी पैच मिलता है वीवो के z1x के ऊपर। नेक्स्ट इन्होंने मल्टीमीडिया के अंदर काम किया है, ऑप्टिमाइज द ऑडियो आउटपुट इफेक्ट्स इन सम सिनेरियोस ऑफ म्यूजिक प्लेबैक। तो बेसिकली अगर आप गाना वगैरह सुनते हो तो उस टाइम जो है म्यूजिक प्लेबैक का आउटपुट इफेक्ट वगैरह था ऑडियो का तो आपको सही नहीं मिल रहा था, तो उसका भी अपडेट ने सही कर दिया, फिर ऑप्टिमाइज कर दिया है। नेक्स्ट एंड जो है लास्ट चीज उन्होंने किया है नेटवर्क के ऑप्टिमाइज द वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन। तो आपके फोन का जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन है उसको भी यहाँ पर जिस ऑप्टिमाइज किया है। तो अपडेट लॉक के अंदर कुछ इसी टाइप के काम किए जो यहाँ पर इन्होंने बताया है। बट इस अपडेट के बाद इन्होंने जो मेन अमेजिंग फीचर यहाँ पर ऐड किया जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था वो किया है गाइस इन्होंने, अल्ट्रा केयर मोड के अंदर जाने के बाद अगर आपके फोन में BGMI इंस्टॉल है तो फिर गाइस अभी जो है इस अपडेट देने के बाद आपको वहाँ पर ईस्पोर्ट मोड, 4D वाइब्रेशन एंड जो है वॉइस चेंजर इन सभी का आपको जो यहाँ पर फंक्शन देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप BGMI ओपन भी करोगे तो उस साइड में आपको ये रहा, यहाँ पर आपको BGMI के अंदर ईस्पोर्ट मोड, 4D वाइब्रेशन एंड जो है वॉइस चेंजर वगैरह इन सभी का फंक्शन अभी आपके पर देखने को मिल जाता है इस अपडेट के बाद वीवो के z1x के ऊपर। एंड स्पेशली भाई यहाँ पर BGMI के अंदर ये जो है ईस्पोर्ट मोड एंड जो वॉइस चेंजर का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा था, तो बट वो फाइनली आपको अभी इस अपडेट देने के बाद मिल जा रहा है। यही जो है स्पेशल फीचर इस अपडेट के बाद आपको वीवो z1x के ऊपर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर उसके अलावा अगर मैं बैटरी वगैरह की बात करूँ तो बैटरी वगैरह नॉर्मल है, पिछले अपडेट में जैसा चल रहा था इस अपडेट के बाद भी आपको वैसे ही आपको यहाँ पर बैकअप वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप BGMI खेलते हो तो भाई इस अपडेट को आई थिंक आप स्किप नहीं करोगे, इस अपडेट को आपको करना चाहिए क्योंकि BGMI के अंदर ईस्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, वॉइस चेंजर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली भाई यही वो अपडेट है, यही वो नया फ्यूचर है जो आपके ऊपर जो है वीवो z1x के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो जिन बंदों को ये वाला अपडेट मिला है, अगर आपने अपडेट किया तो अपडेट आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड जिनको अभी तक वीवो के z1x के ऊपर ये वाला अपडेट नहीं मिला है भाई, आप यहाँ पर 10 से 12 दिन तक होल्ड करो, आपको भी मिल जाएगा ये वाला अपडेट वीवो के z1x के ऊपर। तो अभी यहाँ पर गए जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वीवो u10 के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर जो वीवो का u10 है इसका जो ओल्ड वर्जन है वो है इस पर 1.70.9 का, अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन रिलीज हुआ है इस पर 1.70.12 का। अपडेट का जो साइज है गाइस आपको यहाँ पर 70 MB के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड इस अपडेट के अंदर सिस्टम के ऊपर काम किया है, अपडेट टू द September 2021 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो इस अपडेट के बाद आपको जस्ट जो वीवो के u10 के ऊपर सितंबर महीने का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो नॉर्मली एक सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट है जो वीवो के u10 के ऊपर आया है। एंड जिन बंदों को ये वाला अपडेट मिला है अपडेट आप कर सकते हो, एंड जिनको अभी तक ये वाला अपडेट नहीं मिला एक हफ्ता वेट करो, आपको ये वाला अपडेट वीवो के u10 के ऊपर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई बाकी और कुछ वीडियो का ना कहने का नहीं है, वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर बाकी मिलते के साथ नेक्स्ट वीडियो में।